कर्नाटक के सियासी दंगल में अब कानून के बड़े शुरमा कहे जाने वाले राम जेठमलानी की एंट्री हो गई। कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले से नाराज सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने राम जेठमलानी को 18 मई को संबंधित बेंच में अपनी याचिका का उल्लेख करने के लिए कहा है। वकालत से रिटायरमेंट ले चुके जेठमलानी ने एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया। जेठमलानी ने पीठ को बताया कि कर्नाटक के राज्यपाल का आदेश संवैधानिक शक्ति का पूरी तरह से दुरुपयोग है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार मध्यरात्रि को हुई सुनवाई में येदुरप्पा को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।